सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का B23 फोन है तो आज हम आपको बताने वाले हैं बैटरी सेटिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का B23 फोन है, आपके फोन में बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है एंड बैटरी डाउन होती है, तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। चूंकि यहाँ पे 5 ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप यहाँ पे यूज करोगे जो कि आपके फोन का बैटरी कंज्यूम होना बंद हो जाएगा एंड आपके फोन का बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा वीवो के B23 फोन का। तो फाइनली दोस्तों, मैं आपको इसी फोन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मेरे पास वीवो का B23 फोन है एंड मेरे फोन में ज्यादा बैटरी कंज्यूम हो रही थी, जो कि मैंने अपने फोन को जब यहां पे यूज करके रख देता था नाइट में, तो यहां पे 2 से 3% बैटरी डाउन हो जाती थी। लेकिन यहां पे जो मैं ट्रिक यहां पे यूज किया एंड मैं कस्टमर केयर से भी बात किया, तो यहां पे मेरे को बताया गया, जो कि यहां पे जो सेटिंग बताया गया उस सेटिंग को मैंने अपने फोन में यूज किया। उसके बाद मैं जब अपने फोन को यूज करने के बाद यहां पे ट्राई किया, तो उसके बाद मेरे फोन का बैटरी जो है यहाँ पे कंज्यूम होना कम हो चुका है एंड मेरे फोन का बैटरी का बैकअप बढ़ चुका है। तो मैं आपको इस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इन सेटिंग को आप अपने फोन में फॉलो करोगे तब जाके आपके फोन का बैटरी का बैकअप यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो फाइनल सो चलते हैं, मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के बैटरी पावर सेविंग मोड के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे पास वीवो का B23 फोन है एंड इसी फोन में मैं आपको बता रहा हूं, और इसी फोन में जो कि मेरी बैटरी कंज्यूम हो जाती थी, मैं जब रात में यूज करके फोन रख देता था 12 बजे के बाद से, उसके बाद जब मैं सुबह को सोकर उठता था, उसके बाद मेरा देखता था तो यहां पे 2 से 3% बैटरी डाउन हो चुका था। उसके बाद मैं लगाया यहाँ पे कस्टमर केयर के पास कॉल, उसके बाद मैंने उन्होंने बोला, तो उन्होंने कुछ सेटिंग बताया था जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और उस सेटिंग को मैंने फॉलो किया, उसके बाद से मेरा बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा इन सेटिंग को कैसे आपको फॉलो करना एंड कैसे इनेबल करना है, उसके बाद से आपका बैटरी का प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, जाना अपने फोन के सेटिंग में। अब जैसे अपने फोन के सेटिंग में आएंगे, उसके बाद आपको यहां पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको बैटरी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप बैटरी वाले पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। यहां पर बैटरी यूजर्स, यहां पर आपको बैटरी सेवर यहाँ पे मिल जाएगा, बैकग्राउंड पावर एप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे रन करते हैं वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कौन से एप्लीकेशन पे हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे फ्री फायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्री फायर है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंटेन करके रखा हूँ, जो कि अभी यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्टिमाइज किया गया, यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको जो कि बैटरी यूजर्स का ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका यहाँ से जो कि इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इन सभी एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशन पे हमारी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं और उसी तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मिल जाएगा आपको एक ऑप्शन और यहाँ पे, जो कि बैटरी सेवर का, यहाँ पे बैटरी सेवर अगर आप अपने फोन में इस तरीके से यूज करते हैं तो आपका फोन यहाँ पे डार्क हो जाता है एंड डार्क में अगर आप फोन को यूज करेंगे तो भी यहाँ पे जो कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने से बच जाएगी, यहाँ पे आपके बैटरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कम लो लाइट पे यूज करते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस अपने फोन का कम कर रखते हैं, तो इससे भी आपका बैटरी का बैकअप बढ़ता है, जो कि इससे भी आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है। ये फीचर्स आपको मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ 100% मैंने अपने फोन में यूज किया है, उसके बाद जाके आपके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ। तो उसके बाद मिल जाता है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन, जब आप, मैं डार्क मोड से हटा देता हूँ, उसके बाद आपको नीचे मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनेबल करके रखा हूँ, इसको भी आप इनेबल करके यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, बैग आएंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो कि बैटरी यूजर्स, बैटरी यूजर्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था बैटरी यूजर्स के, जो कि एप्लीकेशन वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन पे आपका बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं एंड 56% मेरा बैटरी चार्ज है एंड यहाँ पे 100 से 50 से 0 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ वगैरह, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन एंड बैकग्राउंड पे आप आएंगे, उसके बाद आप बैकग्राउंड एप्लीकेशन चेकआउट करेंगे, इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कंट्रोल जो कि स्मार्ट कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बैकग्राउंड पावर से यूजर्स एंड यहाँ पे नॉन डोंट
बैकग्राउंड पावर यूजर्स यहाँ पर तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। इनमें से आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके एप्लीकेशन पे जो बैटरी में जो आपके एप्लीकेशन पे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है यहाँ पे कंज्यूम होना कम हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन जाए बैटरी ग्राउंड है इस तरीके से मैं कर देता हूँ एंड जब मैं बैटरी ग्राउंड प्ले करूंगा तो इसमें ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। तो ये फीचर इसको भी आप अपने फ़ोन में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है नीचे ये सब देख सकते हैं जो कि लास्ट फुल चार्जिंग एंड 23 घंटा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रीन यूजर्स फुल चार्जिंग 8 घंटा 7 मिनट एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिल जाता है। ये हो चुका है यहाँ पे बैटरी सेटिंग एंड मैं आपको बताने वाला हूँ एक और सेटिंग यहाँ पे जो कि आपको आता है आना है यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाएगा ऐप का। ऐप पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो आपको मिल जाएगा स्पेशल ऐप्स एक्सेस। स्पेशल ऐप्स एक्सेस पे आपको क्लिक करना उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन फर्स्ट में तो इस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ से जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी एप्लीकेशन पे ऑफ करके रखा हूँ इस तरीके से ऑफ होगा ऑन ऑफ कर देना इस तरीके से। उसके बाद आपको नीचे आना है और इसके बाद और नीचे आना है तो देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन पे आपका ये इनेबल इस तरीके से है आपको इस तरीके से ऑफ कर देना है। आप जब इन सभी एप्लीकेशन पे ऑफ कर दोगे उसके बाद यहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन पे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती थी एंड डाउन होती थी यहाँ से बंद हो जाएगा एंड आपकी बैटरी का बैकअप यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इन सेटिंग को आप अपने फ़ोन में ट्राई करोगे एंड वीवो के B23 फ़ोन में। उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पर जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन आपका रन करता है इस बैकग्राउंड में अगर एप्लीकेशन रन करता है तो इसमें भी आपकी बैटरी कंज्यूम होती है एंड डाउन होती है। इसको भी आप यहां से बैकग्राउंड एप्लीकेशन को हटा सकते हो। हटाने के बाद आपका जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन नहीं करेगा तो इसमें भी आपका बैटरी का बैकअप यहां पे बढ़ जाएगा एंड बैटरी परफॉर्मेंस आपकी यहां पे बढ़ जाएगी। तो इन सेटिंग को आप जाके अपने वीवो के B23 फोन के सेटिंग से ट्राई कर सकते हो एंड बैटरी पावर सेविंग मोड को यहां पे यूज कर सकते हो एंड जो भी आप यहां पे जो लाइट यहां पे लो करके यूज करोगे इससे भी आपका बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनल सभी सेटिंग को आप अपने फोन में ट्राई कर सकते हो वीवो के B23 फोन में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सो आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाबा दोस्तों।